मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित कंट्री क्लब में यह देखिए एक समारोह के दौरान शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में जाहिर प्रवेश किए। उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने सभी को बीजेपी में यह देखिए दुपट्टा पहनाकर प्रवेश दिलाने का कार्य किया। इस मौके पर ज्यादातर महिलाएं भाजपा में प्रवेश लेती हुई दिखाई दे रही हैं। मंच पर भाजपा के विधायक योगेश सागर, जिलाध्यक्ष गणेश खनकर सहित भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। आशीष मांडविया के मार्गदर्शन में यह सभी पुरुष और महिला कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश किए हैं। बताया जाता है कि महानगर पालिका चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को झटका देने हेतु इस तरह का प्रवेश अपने पार्टी थैंक यू तो देव आशीष ला खूब खूब शुभेच्छा देव भारतीय जनता पार्टी का आशीष मांडवीकर आगे बढ़ो ये जो मैं बस्ती में जिस बस्ती में पला बड़ा सब कुछ गली से लेकर दिल्ली तक का सफर पूरा किया उस बस्ती के लोग हैं और मुझे हर चुनाव में 7.5 वोट मिलता है 10 में से 7.5 वोट मुझे मिलता है तो ये मेरे साथ में रह रहेंगे थोड़ा मुझे वोट मिलेगा। ये स्टोरी ऐसा है कि इंदिरा नगर नाम की जो स्कीम है वो एक मंगेश सावंत नाम का बिल्डर और एक दिलेश शाह ये दो बिल्डरों का पार्टनरों का झगड़े की वजह से स्कीम बढ़ता नहीं है। इसलिए मैं SRA में जाकर बोला जो 10 साल से बिल्डर लोग ने एग्रीमेंट किया है काम नहीं करते उसका सब कैंसिल करो और वो इनको मालूम पड़ा और उसने इन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन मेरा तो लड़ाई लोगों को घर मिलना चाहिए इसलिए मैंने उसका आर्किटेक्ट वहाँ पर गायकवाड़ बैठे उनको बोला तुम अभी मेरे साथ में चल के नारियल फोड़ो कल से काम चालू करो झोपड़पट्टी वाले का 300 फुट का घर बनाने के लिए तुमको कोई गवर्नमेंट रोकेगी नहीं उसके लिए मैं बैठा हूँ तुम्हारा सेल बिल्डिंग में जो भी तुम लोग का पार्टनरशिप का झगड़ा खत्म करो और आगे बढ़ो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने 8 दिन का मेरे से टाइम लिया है 8 दिन में अगर वो करता है तो ठीक है नहीं तो फिर हम आगे का रास्ता हम देखेंगे। लोगों का 20-20 साल ये बिल्डर लोगों ने एग्रीमेंट करके इनका जीना हराम कर दिया किसी व्यक्ति का जीवन का सुनहरा 20 साल बिगड़ जाना ये कितना मायना रखता है ये आप मीडिया के लोगों ने भी सोच समझ कर इसको हाईलाइट करके भेजना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूँ मंगेश सावंत दिलेश शाह यहाँ का है वहाँ पर ईस्ट में एक बर्थडे बिल्डर है उसने 20 साल से प्रोजेक्ट को रोके रखा है उसके आगे मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डर विकी ओबेरॉय जिसने पहले बिल्डर का एग्रीमेंट कैंसिल करके ले लिया 4 साल हो गए आज भी वापस काम नहीं शुरू कर रहा है उसको कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग पूछते नहीं उसको कोई नगर से हो कोई आमदार कोई पूछता नहीं है। तो कम से कम ये पाप मेरे से नहीं होगा क्योंकि मैं झोपड़पट्टी से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं अपना काम करता हूँ। एक RSS से जुड़े हुए भी बिल्डर हैं वो RSS का नाम खराब करता खाली RSS के लोग तो जीवन अपना दे दिया देश और समाज के लिए वो RSS का नाम खराब करता है। सर एक और स्लम का इशू है वन विभाग से रिलेटेड है गैतकी पाड़ा से लेकर दामू नगर का वहाँ के लोग भी परेशान है आपसे अपेक्षा करते हैं कि उस मुद्दे को आप उठाएं क्योंकि यहाँ राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं देखिए ये हाउसेज टू ऑल जो स्कीम आया है मोदी जी का उसमें सब कुछ हो सकता है इसलिए मैं एक बात तो बहुत खुलकर बोलता हूँ कि झोपड़पट्टी वालों का अगर हमको भला करना है तो हमने पॉलिटिक्स बाजू में रख देना चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ में आकर मुंबई को स्लम फ्री करने का संकल्प ले लेना चाहिए। आप रोज़ सवेरे उठकर एक दूसरे से झगड़ा करो तो लोगों का कुछ होने वाला नहीं है लोग वही झोपड़पट्टी में पैदा हुए उसी में मरने वाले इसलिए सब हो सकता है। मोदी जी जो पैसा इतने बड़े पैमाने पर दे रहे महाराष्ट्र सरकार को मोदी साहब ने 1,000 करोड़ रुपये एडवांस में दिया है मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ मेरे पास चिट्ठी है ये लेके जाओ ये कल मुझे दिल्ली से दिया गया है और इन्होंने काम ही नहीं शुरू किया है। मोदी जी कहते हैं कि और अगर पैसा चाहिए तो मैं दूंगा मोदी जी कहते हैं कि और पैसा अगर चाहिए तो मैं दूंगा ये वेबसाइट से निकाल लो इसमें पूरा है गवर्नमेंट का लेखा जोखा है महाराष्ट्र सरकार को मोदी जी ने कितना 1,000 करोड़ रुपये दिया है ये इसमें लिखा हुआ है सब ये पैसा लेकर बैठ गए लोगों को घर नहीं दे रहे। अब मैं दिल्ली से आया हूँ कल अब वापस पीछे पड़ूंगा ऐसा लेकर उपस्थित सभी आशीष मांडवीकर के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले माता बहनों और भाइयों योगेश सागर गुजराती है पर गोपाल शेट्टी के हाथ के नीचे तैयार हुआ ऐसे डरता नहीं
गायकवाड़ साहब बैठे यहाँ पर। देखिए आपके मंगेश सावंत को भी बता दो, मैं भी नहीं डरता हूँ। और मंगेश सावंत का और दिलेश भाई का जो व्यवहार होना है वो होने दो, या तो सब सुन लो मेरा फॉर्मूला। मेरे उधर मैं जो कांदिवली में चलाता हूँ ग्राउंड प्लस टू बांध दो, मैं बैठा हूँ, क्या होएगा देख लेंगे। छोड़ो ये सारे को बाजू में, सब दो दो माले चढ़ा दो ऊपर। मालौनी गांव में अगर गोपाल भाई स्लैब डाल के लोग दो दो माले चढ़ा देते, तीन तीन माले चढ़ा देते हैं, इनको जब करने का है तब तक करेगा। एक पुलिस वाला आएगा तो मुझे बुलाओ, एक म्यूनसिपैलिटी वाला आएगा तो मुझे बुलाओ। आजू बाजू वाले दो मजबूत लोग है वो अगर बांध लेते तो बीच में वाले का ऐसा ही काम हो जाता है, बीच में वाले का ऐसा ही काम हो जाता है, खाली स्लैब डालते रहो। और गायकवाड़ साहब आपके बिल्डर को बोल दो दोनों को, ये काम मैं सर शुरू कराऊंगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये मई महीने के एंड तक या जून महीने तक मैं कम से कम 10 लोगों को, पैसा नहीं होगा तो बाहर से ला करके दूंगा और मांग करके ला दूंगा, लेकिन घर बनवा के दूंगा ऊपर उठाने का। छोड़ दो ये सारे को बाजू में, आप देंगे क्या 300 फुट? 300 फुट देंगे ना 22 माले पे, उसका लिफ्ट चलेगा नहीं चलेगा, पानी आएगा नहीं आएगा, मेंटेनेंस कौन तक रहेगा, गंदगी साफ कौन करेगा, अंधेरी अंधेरी जगह में चालिया बना करके जूम दे दोगे वर्टिकल झोपड़पट्टी, उससे अच्छा भाई अपना दो दो माला बना के रहो ना। कोई म्यूनसिपालिटी को टैक्स भरना नहीं, कोई एसआरए को जवाब देना नहीं, कोई मेंटेनेंस का पैसा भरना नहीं, कोई लिफ्ट का पैसा भरना नहीं, क्या बुरा है इसमें? इसमें कुछ गलत है क्या? कितने लोग तैयार हो जाएंगे भाई? जिसको पहले प्रायोरिटी में तैयार होना है, पीछे देखे हाथ देखो कितना लोगों ने उठाया, देखो ये सब तैयार हो जाएंगे, सब तैयार हो जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, इसलिए इसका फैसला मई महीना का एंड तक करो, नहीं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जून महीना में मैं जाकर के कुर्सी डाल के बैठूंगा और सबको बोलूंगा ऊपर उठाओ, जिसको उठाने का मैं बैठा हूँ, पुलिस आएगी म्यूनसिपलिटी। ये क्या है मजाक? और ये क्यों 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 गुस्सा करना चाहिए भाई? 50-50 साल तक सेवा करने के बाद, 35-35 साल तक जनप्रतिनिधि रहने के बाद ये परिस्थिति होगी तो आखिर करना किसके लिए है? और इसलिए जो भी बात किया है गोपाल भाई ने, उस बात के ऊपर पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि और सभी पदाधिकारी जवाबदारी लेते हैं तो सोच करके इसके आगे बढ़ करके हम मिल करके काम करेंगे। आशीष का पार्टी में स्वागत करते हैं और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी सभी अच्छे कामों में और सच्चे कामों में उनके साथ खड़ी रहेगी।